हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन। उसके लिए चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है और अब इसको करेंगे हम अपना मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्च। और गाइस डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस और छोटी चम्मच भर के डालेंगे विनीगर का और अच्छे से मिला के इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए साइड पे। और गाइस लेंगे एक भगोना, उसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल और उबलने तक का वेट करेंगे। जब तक उबलेगा तब तक गाइस अपने मसाले तैयार कर लेंगे। और गाइस हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे आधा कप तेल और तेल गर्म हो गया तो उसमें डालेंगे आधा चम्मच लहसुन, उसको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। फिर डालेंगे इसमें आधा चम्मच अदरक, और डालेंगे प्याज 1 चम्मच, अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, हल्का सा करेंगे इसको। फिर गाइस इसमें डाल देंगे अपना चिकन और चिकन को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। 5 से 6 मिनट लगेंगे, अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा। और गाइस चिकन ऐसे ही अच्छे से फ्राई होता रहेगा, कर लेंगे नूडल्स को बॉइल। ये देखिए गाइस पानी में बॉइल आ गया था, इसमें डाल देंगे अपने नूडल्स और इसको मिला देंगे, नीचे कर देंगे। और गाइस इन नूडल्स को हिलाते रहेंगे और 90% तक कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इसके पानी को निकाल देंगे। ये देखिए गाइस हमारे चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसकी गैस को कर देंगे बंद। और गाइस सब्जियों को कट कर लेंगे। ये हमने लिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। अच्छे से इसको भी फ्राई करेंगे। सबसे पहले डालेंगे अपना बंद गोभी, कैबेज, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का फ्राई हो जाएगा तब इसी में डाल देंगे गाजर और शिमला मिर्च। और गाइस सब्जियां हमारी हाफ डन हो गई हैं तो इसको हम निकाल लेंगे। और गाइस सेम पैन लेंगे, उसी में डालेंगे 2 चम्मच तेल, फिर उसमें डालेंगे लहसुन 1/2 चम्मच, फिर ये आधा इंच का जो अदरक का टुकड़ा है इसको इसी में ग्रेट कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और डालेंगे अपनी हरी मिर्च, आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकती हैं मिर्च। मिर्च डालने के बाद इसमें डाल दिए अपने नूडल्स और नूडल्स देखिए गाइस कितनी खिली खिली सी हैं। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा तेल था वो हमने निकाल लिया चिकन का और सारा चिकन के साथ में इसका तेल भी इसी में डाल देंगे। और गाइस इसी में डाल देंगे अपनी सारी सब्जियां जो हमने फ्राई की थी। और गाइस इसी में डालेंगे अपने मसाले, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी धनिया पाउडर और 4 चम्मच सोया सॉस। इसमें 3 दिख रही हैं गाइस लेकिन हमने एक बाद में भी डाली थी और 1 चम्मच डाली थी ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस और इसको अच्छे से मिला लेंगे।
इसको गैस अच्छे से मिलाने के बाद डाल देंगे आधा मुट्ठी हरा धनिया कटा हुआ, इसको भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और अपनी चाउमीन को करेंगे सर्व। तो गैस बनकर रेडी है हमारी चाउमीन, देखें कितनी अच्छे से खिली खिली से एकदम से हैं इसके नूडल्स, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं। और इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए हमारी तैयार है चिकन चाउमीन। गाइस रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।